कोई विरोध नहीं किया था। तभी अगस्त अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पर अगर तुम आगे से ऐसा नहीं चाहती तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिलहाल अभी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अगस्त कमरे से बाहर चला गया और जिया ने सूटकेस और अपने कपड़ों की तरफ देखा। इस वक्त अगर वो चली जाती तो शायद ये एक एहसान फरामोशी कहलाती, क्योंकि अगस्त ने जिया की बहुत मदद की थी। जिया सिर्फ एक बहाना बनाकर उसके घर से नहीं जा सकती थी। ये सब सोचते हुए जिया पलट गई और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी भी उसके मन में गुस्सा था, पर उस गुस्से की वजह अगस्त नहीं बल्कि वो खुद थी। बाहर की ट्रैफिक को देखते हुए जिया अपने बारे में और ज्यादा बुरा सोच पाती, इससे पहले ही उसके फोन की घंटी बज गई। ये माया का फोन था। माया ने कुछ देर पहले फोन रखते हुए जिया से कहा था कि वो फ्री होकर जिया को फोन करेगी। एक बार के लिए जिया माया का फोन नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसके मन को शांत करने का ये एकमात्र जरिया हो सकता है। इसलिए उसने माया का फोन उठा लिया। फोन अटेंड करते ही जिया ने माया को हेलो कहा। तभी माया कहती है, मुझे माफ करना जिया, कस्टमर ने बहुत सारा टाइम ले लिया। दरअसल अपना बिजनेस करने में ना यही नुकसान है, आपको कस्टमर की पूरी बातें सुननी पड़ती हैं, नहीं तो बिजनेस नहीं मिलता। जिया कहती है, रस्तोगी एंटरप्राइजेस में काम करने से तो बेहतर ही है। माया जिया की इस बात से पूरी तरह सहमत थी, इसलिए वो भी जिया की बात पे हामी भरते हुए कहती है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, वैसे रस्तोगी एंटरप्राइजेस में काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बार बार कौन स्टूडेंट की बात सुने। एक बार के लिए अगर बॉस भी सुनाए ना तो समझ में आता है, वो तो सिर्फ एक फ्लोर मैनेजर है, वैसे एक नाजायज औलाद ना ऐसी होती है। माया के मुंह से नाजायज शब्द सुनते ही जिया के कान खड़े हो गए और उसने माया से पूछा, नाजायज मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। माया कहती है, कैसी बात कर रही हो जिया, क्या तुम्हें अभिलाषा के बारे में कुछ नहीं पता, आज की डेट में पूरा ऑफिस उसकी हकीकत जानता है। जिया कहती है, कैसी हकीकत। माया जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, यही कि वो जिस परिवार से होने का दावा करती है दरअसल उस परिवार से उसका कुछ और ही रिश्ता है, और अब ये भी साफ हो गया है कि अभिलाषा का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ उसके दादाजी उसे पसंद करते हैं इसलिए वो उनके नाम से उछलती रहती है, पर सच्चाई तो ये है कि अभिलाषा उनके बेटे की नाजायज औलाद है। उनके बेटे ने अभिलाषा की माँ से कभी शादी नहीं की, वो पैसे के लिए उस आदमी के साथ रहती थी। तभी जिया कहती है, लेकिन अभिलाषा की चाल ढाल से कभी ये पता नहीं चला कि वो एक नाजायज औलाद होगी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करती है। माया कहती है, कैसी बात कर रही हो जिया, क्या तुम्हें कभी रोशनी के पहनावे और उसकी बात करने के तरीके से ऐसा लगा है कि वो क्या है। अपनी बात खत्म करते ही माया को यह एहसास हुआ कि शायद वो भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल चुकी है। तभी वो अपनी बात को संभालते हुए जिया से कहती है, जिया मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई और इंटेंशन नहीं था। जिया कहती है, तुमने कोई अलग बात नहीं की है, जो है वही बोला है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। माया समझ गई थी कि जिया माने या ना माने उसे माया की बात का बुरा तो लगा है। तभी वो बात बदलते हुए जिया से कहती है, पता चला मिस्टर अगस्त वापस कंपनी में आ गए, मैं भी कैसी बातें पूछ रही हूँ तुझसे, तुझे तो ये भी नहीं पता चला होगा कि वो बाहर गए थे, है ना। माया की ये बात सुनकर जिया ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से झूठ बोलना कभी पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसकी सिचुएशंस ऐसी थी कि वो सच भी नहीं बता सकती थी। जिया की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर माया कहती है, क्या हुआ कुछ तो बोल। जिया कुछ सोचकर माया से पूछती है, अच्छा वैसे मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर तुझे कैसे पता चला कि मिस्टर अगस्त वापस आ गए। माया कहती है, मैं बिजनेस करते हुए ना रस्तोगी एंटरप्राइजेस में जॉब भी कर रही थी, और कुछ दिन पहले ही मैंने रिजाइन डाला, इसलिए कल मेरा आखिरी दिन था, और कल बहुत मजेदार चीज ऑफिस में हुई। अभिलाषा एक लंबा स्कर्ट पहनकर आई थी और उसने लगभग 4 से 5 किलो मेकअप भी लगाया था। ये देखते ही सारे ऑफिस वाले समझ गए थे कि आज पक्का अगस्त वापस आने वाला है। इतना ही नहीं, वो पूरा दिन फर्स्ट फ्लोर पर ही खड़ी रही और अगस्त का इंतजार करती रही। लेकिन जैसे ही अगस्त आया उसने एक नजर भी अभिलाषा की तरफ नहीं देखा, वो तुरंत 13वें फ्लोर की लिफ्ट लेकर ऊपर चला गया। तभी एक तेज हवा आई जिससे अभिलाषा की स्कर्ट उड़ने लगी, उसी वक्त में अपना सामान लेकर वहां से निकल रही थी। मैंने देखा कि वो अपनी स्कर्ट को संभालते हुए मिस्टर अगस्त के पीछे भाग रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ वैसे ही अभिलाषा का पैर अपनी स्कर्ट में फंस गया और वो धड़ाम से गिर पड़ी। अपनी बात पूरी करते ही माया हंसने लगी। तभी जिया कहती है, भले स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, पर उसमें उस बेचारे की क्या गलती है माया, वो तो मिस्टर अगस्त से प्यार करती है ना, तुम्हें उसकी ऐसी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। माया कहती है, जिया तू बहुत अच्छी है, पर इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है, और हम सबको पता है कि अभिलाषा मिस्टर अगस्त को प्यार करती है या फिर उसके पैसों के पीछे पागल है। जिया माया की बात को काटते हुए कहती है, चल छोड़ ना उन सब बातों को, मुझे ये बता तूने अपने बिजनेस के लिए क्या क्या प्रोडक्ट रखे हैं। जिया का ये सवाल सुनते ही माया खुश हो गई और उसने तुरंत अपनी लिस्ट निकाली और वो जिया को एक एक करके सारे सामान की क्वालिटी और रेट बताने लगी। ये सब सुनकर जिया माया से कहती है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी ऑर्डर करूंगी। और अचानक माया के फोन पर एक और कॉल आने लगा। माया ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए जिया से कहा, जिया एक और कस्टमर का कॉल आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करूंगी, और तू वीचैट पर जाकर ना मेरी प्रोफाइल में मेरे सारे प्रोडक्ट्स देख सकती है और ऑर्डर भी कर सकती है, टेंशन मत ले मैं तुझे स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। इतना कहते ही माया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जिया वीचैट खोलकर माया के प्रोफाइल में डाले प्रोडक्ट्स की फोटो देखने लगी।
उसमें लगभग सारी चीजें काफी इंपोर्टेड लग रही थी और जिया को यह देखकर खुशी भी हो रही थी कि कम से कम उसकी दोस्त ने किसी और के यहाँ नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने का फैसला तो किया और जिया चाहकर भी ये काम नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ अगस्त ने अपना सामान उठाया और वो अपने कमरे की तरफ चला गया। हालांकि इस काम के लिए उसके पास नौकर थे लेकिन उसने आज सभी लोगों को छुट्टी पर भेज दिया था और अब जिया भी उससे नाराज हो गई थी। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो इस वक्त जिया के पास गया तो बात बिगड़ जाएगी। साथ ही उसे जिया से जो कुछ भी कहना था वो कह चुका था। इतना ही नहीं, अगस्त जिया के साथ बिताने के लिए मिले इस एक साल को लड़ने में नहीं बिताना चाहता था। उसके लिए यही गोल्डन चांस था जिसमें वो जिया का दिल जीत सकता था। अगस्त ने अपने कमरे में पहुंचकर अपना सारा सामान खाली किया और वो बाथरूम में चला गया। नहाते वक्त भी वो बार बार जिया के बारे में सोच रहा था। उसे हर वो एक पल याद आ रहा था जब वो जिया के बेहद करीब था। ये सब सोचते हुए अगस्त समझ गया था कि जिया ही एकमात्र लड़की है जो उसके इमोशंस को कंट्रोल करती है। इतने सालों में वो कभी किसी के इतना करीब ना तो गया और ना ही उसे जाने की इच्छा हुई। इतना ही नहीं, अगस्त ने आज तक किसी लड़की से इतना प्यार नहीं किया, फिर चाहे वो अभिलाषा ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त सवाल ये था कि वो जिया को कैसे मनाएगा, क्योंकि दूसरा रास्ता तो उसे हमेशा से पता था। वो अगर जिया को गुस्से में ये कह दे कि वो घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती तो जिया चाहकर भी नहीं जाएगी, लेकिन तब उन दोनों के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अब भी जिया का सूटकेस बेड के ऊपर रखा था, उसमें कुछ कपड़े डले थे और कुछ कपड़े बिस्तर के ऊपर रखे हुए थे। तभी जिया को वो दिन याद आ गया जब उसने आखिरी बार आभा से बात की थी। जिया ने उससे पूछा था कि जब तुम करण को पसंद नहीं करती तो उसके साथ एक बिस्तर पे कैसे रहोगी, और अगर वो तुम्हारी मर्जी के बिना या तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो क्या करोगी। तब आभा ने जिया की बात का ये जवाब देते हुए कहा था, मैं उसकी पत्नी बनने जा रही हूँ, और आदमी चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अपने शरीर में एक जानवर की प्रवृत्ति हमेशा से रखता है। अगर वो भावना उसके मन में जाग उठी तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। और रही बात मेरी, मैं उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होगा। साथ ही इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मुझे किस चीज़ की जरूरत है और किस चीज़ की नहीं। इतना ही नहीं, अगर मैंने मना किया तो वहां मौजूद तो सभी लोग यही सोचेंगे कि मैं किसी और लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाकर करण से मजबूरी में शादी कर रही हूँ। ये सब सोचते हुए जिया के मन में ख्याल आया, आखिर आभा ऐसी जिंदगी कैसे जी पा रही होगी, और क्या वो आदमी के नेचर के बारे में सच कह रही थी, क्योंकि उसने भी कई बार अगस्त को उसकी मर्जी के खिलाफ नजदीक आते देखा था। हालांकि अगस्त हर बार खुद को रोक लेता था, पर ये चीज बार बार होती रही तो अगस्त कब तक जिया से दूर रहेगा। इस ख्याल मात्र से ही जिया के हाथ पैर फूलने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दूसरी तरफ अगस्त को याद आया कि जब से वो घर आया है तब से उसने कुछ खाया पिया नहीं और ना ही जिया ने कुछ खाया पिया है। पूरा दिन उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचने में निकाल दिया। ये सोचते हुए अगस्त तुरंत अपने बिस्तर से उठा और जिया के कमरे की तरफ चला गया। आगे बढ़ते हुए उसके मन में कई सारे ख्याल चल रहे थे, लेकिन उसने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। क्या जिया अगस्त के लिए दरवाजा खोलेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से जिया उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अगस्त अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ जिया के मन में कई सारे थॉट्स चल रहे थे। वो यही सोच रही थी कि जिस तरह अगस्त उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, कुछ इसी तरह कई साल पहले